दोस्तों, कई युगों पहले पृथ्वी ने जन्म लिया। युग आए चले गए, हमारा इतिहास बुलंदियों पर रहा। हम पर अतिथियों ने हमला किया, कई बार लुटा, अंत में हम पर राज किया। फिर हमने मुकाबला किया और हम आजाद हुए, पर उसकी कीमत हमेशा की तरह हमें विभाजित होकर चुकानी पड़ी। वो पीड़ा हमेशा हमारे दिल में रही और अमन की आशा की मोमबत्तियां जलती रही। हमने उनके हर एक हमले को सहा और दौसिया देकर मुकाबला किया। फिर एक मसीहा आया जिसने दुनिया बदल दी और हमें दुनिया भर की सच्चाई घरों में बैठकर दिखने लगी। अब उससे ये हुआ कि हमें पड़ोसी की अच्छे से खबर हो गई और अमन की मोमबत्तियां टूट गई। आज किसी को बंटवारे का मलाल नहीं है। अब हर कोई कहता है, अच्छा हुआ बंटवारा हो गया और जाहिल कचरा कौम निकल गई। अभी जो बचे हैं वो भी हाफिक से बचे कीटाणु हैं, जो हमेशा रहेंगे। जी, कोई मुल्क पाकिस्तानी आवाम के अलावा कोई माई का लाल कोई कंट्री के बोलते हैं कि हम सुपर पावर हैं, बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर पेट्रोल, बगैर गैस, बगैर सिक्योरिटी, बगैर जॉब, इसके बगैर रह के दिखा देते हैं। ये आजाद सिर्फ पाकिस्तान की कौम को हासिल है, इसके बगैर रह रहे हैं। आज आम भारतीयों को जिंदगी झंड लगती है। क्या दोस्त, क्या स्कॉलर्स, क्या डॉक्टर, वो सब पाकिस्तानी चैनलों को देखने की सलाह देते हैं और जिंदगी अच्छी लगने लगती है। अब तो कपिल शर्मा की कॉमेडी भी फीकी लगती है। अब आप लोग तो सुधरने वाले नहीं हैं। उन जाहिलों को देखने की आदत लगाकर उनको ही हेल्प कर रहे हैं। अब किसी भी चीज का ओवरडोज लोगे तो अंजाम भी आप ही भुगतोगे। बाद में बोलना मत बताया नहीं। अब आप उनको देख रहे हो तो जरा हमें भी बताना क्या नॉलेज आपको मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा मैं अपनी बातें शेयर कर दूं, मुझे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। मैम, ये हमारा जज्बा है, वो छोड़ने बाद और चाहे कितनी भी पावर कम हो। आप इनके कोई भी चैनल उठा के देख लो, ये जज्बा कस्बा करते मिलेंगे। और ये बात मान लो, ये जज्बा सिर्फ इनकी भीख मांगने की बातों तक सीमित है, बाकी जगह तो फट जाती है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आगे हैं, पीछे नहीं हटने वाले। मुसलमान है ना, आगे बढ़ता है, इसका बच्चा भी आगे बढ़ेगा। जाहिलों में अगर गेला माल है तो ये है। ये अजीबोगरीब किस्म के मजहब के जाहिल लोग हैं, जो पूरी दुनिया में अलग है, पर ये पाखंडी उसका ही रोना रोते हैं। इन्हें देख के ये लगता है अब ये अपने मजहब के भी भिखारी हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते ये लोग। हर एटमी लहाज से भी नंबर वन पे हैं। अब क्या पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और ये एटम बम हमने ट्रैक रूम में सजाने के लिए नहीं बनाए। ये एटम बम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए गए हैं। और सोबा सोबा आपको वक्त आ गया है कि टमाटर का जवाब जो है एटम बम से दिया जाएगा। और ये तो टट्टी है। थैंक यू। अगर दुनिया में कहीं भी निकम्मी गवार पब्लिक है तो वो ये जाहिल्स हैं। इनको दिमाग में सिर्फ और सिर्फ टट्टी बम का ही पता है और हर बातों में इसी बात की धमकी देते हैं। जैसे कि हम तो छाती खोल के बैठे हैं, रधो मेरी ये वीडियो देख लो, मुंह से ना टट्टी निकले तो 10 किलो आटा फ्री में दूंगा। पाकिस्तान में तो ऐसा ऐसा टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तान में जितना टैलेंट है मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में किसी जगह पे इस तरह का टैलेंट नहीं है। जो पाकिस्तान का ब्रेन है, ठीक है, वो ब्रेन पाकिस्तान का हर दुनिया का मुल्क जो है वो इसकी तारीफ करता है। तो फिर व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट यू आर टॉकिंग अबाउट? सही पकड़े हैं। जहाँ हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के टैलेंट की, तो हमें उस टैलेंट को एक्सप्लोर करने की जरूरत है।
अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो इसकी वजह नहीं हो सकती। पाकिस्तान का जो टैलेंट है ना वो मैं हूँ, पाकिस्तान का टैलेंट आप हैं। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? पाकिस्तान में रहना भी एक टैलेंट है। पाकिस्तान में हर बंदा सर्वाइव भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान में रहना भी टैलेंट है। हाँ जी जी, पाकिस्तान में रहना एक बहुत बड़ा टैलेंट है। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। बात करी पाकिस्तान के टैलेंट की, किसी सूरत पाकिस्तान का टैलेंट कम नहीं है। अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है, कैसे कह सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इनका टैलेंट नहीं देखा, पर लंबी लंबी छोड़ने में और फेंकने का टैलेंट तो है। ये जाहिल कितनी भी बातें करे पर इन पर विश्वास कोई नहीं करता है। नहीं, पाकिस्तान एक सुपर पावर है। इसमें इतने बड़े झूठ बोल रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1 कंसीडर की जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये गधे, ये इंसान नहीं है, ये गधे थे। और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जैसे कि पूरी दुनिया मानती है कि बहुत जबरदस्त है। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ओके, तो लेकिन आरडीपी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी नंबर 1 रैंक करती है, उसके बाद हमारी डिफेंस सिस्टम भी नंबर 1 रैंक करता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उसने तो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। हम अमेरिका से परचेज करते हैं, हम अपने मुल्क में क्यों नहीं बनाते? नहीं नहीं, जो है F-16 वो तो पाकिस्तान ने खुद, जहाँ तक मुझे लगता है, वो खुद बनाया है। इतना घटिया आदमी जो इस तरह की बातें करता है। पाकिस्तान ने तो काफी चीजें खुद भी बनाई हैं, अमेरिका से भी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। फरंगी लोटे, डिफरेंट साइज के लोटे। अगर कोई जरूरत से ज्यादा बकवास देखता है तो उसका दिमाग तो जाता है और कान से भी खून बहने लगता है। मैं आपको इनकी हकीकत दिखाने के लिए वीडियो देखता हूँ। आप लोग क्यों देखते हो? इंटेंटमेंट चाहिए तो हम जेसो का वीडियो देखें। इससे दो फायदे हैं। एक, आपको मनोरंजन मिलेगा, दूसरा आप उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा पाओगे। मैं पाकिस्तानी था, जो मर्जी मैं कर लूं मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो ज़ेब्रा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। तो इसलिए हजरत, मेरे बाबा मुझे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सामने वाले घर में लड़का देख लिया है, अब मैं शादी के काबिल हो गई हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। जय हिंद।